दोस्तों मेरे बारे या मेरी रचना बारे मेरे मित्र मेरे अजीज ने जिन्ने भी शब्द कहे ने मैं उसके काबिल नहीं। एक नजम पढ़ने तो पहला तुहाडे नाल चार सत्रां सांझियां कर रहे हैं। मौसम बेचैनी दा ते बेचैनी किवें महसूस होंदी है। मौसम कुछ कुछ बदल गया है, मौसम कुछ कुछ बदल गया है, पर पाले का जोर अजे भी सिखरां ते। मौसम कुछ कुछ बदल गया है पर पाले का जोर अजे भी सिखरां ते है। हर ककरीली रात पशुआं जेही बेचैनी है, हर ककरीली रात पशुआं जेही बेचैनी है, पल पल अपने जहन च अपने खुर बजदे। हर ककरीली रात पशुआं जेही बेचैनी है, पल पल अपने जहन च अपने खुर बजदे ने, नजरां दीवारा विच खुबियां चुप खड़िया। केड़ी रचना अंतम दो सत्रां ने कि केड़ी रचना इस डरावनी रात की गाथा अपने अंदर ढाल सकेगी। रात के जेड़ी कोड़ दे वाकुन फैल रही। मैं अपनी असल नजम तुहाडे सामने पेश करनी चाहवांगा। गुरु नानक देव जी दियां मैं अपने जीवन विच जिन्नियां भी तस्वीरां देखियां वो अखां मीठियां हाथ च माला वाली। इस नजम दा नां इक यात्री है। मेरा भाव गुरु नानक देव जी दियां चार उदासियां वल तुहाडा ध्यान दिवांगा। मेरे तो पहला बलबीर जी स्वामी जी ने बाबे नानक का नाम लिया और ये मेरी नजम भी बाबे नानक नूं ही समर्पित है। ना तू संन्यासी ना कठोर तपस्वी, ना तारा असगा नहीं जानता क्यों तू इन्ना प्यारा लगता, नहीं जानता क्यों तू इन्ना प्यारा लगता। पत्थर चित विधाता तेरे चौपासी दीवार, पत्थर चित विधाता तेरे चौपासी दीवार, भुखे नैणा नाल मैं धक्का नैणा विचकार। मैं तेरी प्रतिभा का कायल, विवेक जरा गौर करना इन्हां सत्रां ते कि मैं तेरी प्रतिभा का कायल, मैं तेरी रचना का आशिक, मैनू तेरी नैन मुगत तस्वीर मोह न सके। मुंह ते पसरी निमो चूहन उदासी, हाथ विच माला केड़े सुपने विच लगाए तू लम्मे दिन रहे। अनंत रात दी अनगहली विच खबरे किन्ने चिर तो सुता, बंद नैणा विच किसनू प्यारे तेरा मैं। पता नहीं क्यों चित्रकार, मैं अपनी असल गल वल आ रहा कि पता नहीं क्यों चित्रकार तेरे मस्तक की रेखा चो रचन कर्म की महक खिड़ा ना सके। मेरी दुबदा किन्ने दुख विच मुड़ आई है मेरे द्वार, किन्ने सवाल बन ढाणियां रुक गए मेरे कोल हो आ, किन्ने सवाल बन ढाणियां रुक गए मेरे कोल हो आ। संगणा मेर पसार, संगणा मेर पसार, कुमलाया भुखा तिरहाया, अन्ना ते गुमराह एक शायर दी मुगत मूर्ति दर सकती की रा। मैं तेरी रचना जो एक तस्वीर बनाई,
ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਕਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਕਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ, ਭੂਰੇ ਵਾਲ, ਨੈਣ ਸੁਨੀਰ, ਤੁਖਦਾ ਸੂਰਜ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ, ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਕਟਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪੌਣ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਲੋਚਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਗ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਲੋਚਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਗ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੋਜ਼ ਬਣੇ ਅੰਬਰ। ਮੈਂ ਲੋਚਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਗ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੋਜ਼ ਬਣੇ ਅੰਬਰ। ਪਰ ਮਹਾਂਕਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੌਤਕ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੂਰਖ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਬਣਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਟਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਸੌੜੀ ਅੱਖ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਅਧਰਹਿਣ ਉਨੀਦੇ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਅਧਰਹਿਣ ਉਨੀਦੇ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੌਰ, ਵਾਹ ਕਹਿਰਾ ਦੀ ਵੰਗੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬਣ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਰ ਤਿਆਗੀ ਮਨ ਮੁਕਤ ਕਦੀ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪੌਣ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਤੁਰਦਾ।